उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत के लिए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद है। सर, आप दिल्ली पहुंचे, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्या है पूरा मामला? मैं एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली आया हूं, मेरा परिवार भी यहीं रहता है। जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम का विषय है, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की आपने बात कही है, तो वो केंद्रीय माने राष्ट्राध्यक्ष जी को और माने गृह प्रधानमंत्री वो सॉरी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, और माने मुख्यमंत्री जो तय करेंगे वो समय आने पर आप सब लोग उसकी जानकारी जनता को आपके माध्यम से दी जाएगी। तो मेरा आना आज यहाँ मेरा अपना निजी कार्यक्रम है, उस निजी कार्यक्रम में मैं आया हूँ। अगर कैबिनेट विस्तार होता है, चूंकि कई नए नेता जो है वो एनडीए का हिस्सा बने हैं, हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें, दारा सिंह चौहान जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो कैबिनेट विस्तार होता है तो क्या इनको जगह कैबिनेट में दी जाएगी? नहीं, ये निर्णय मैंने जैसे कहा, इसमें केंद्रीय हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत करके निर्णय करेंगे, और जो भी निर्णय होगा पार्टी का मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के विषय में वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सबको अवगत कराया जाएगा। अगर कोई बात उनकी हुई होगी तो ये केंद्र का विषय है, हम लोगों से इसका कोई संबंधित विषय नहीं है। इसके साथ ही सर, लगातार एनडीए का कुनबा जो है वो मजबूत होते जा रहा है। अभी हाल में ओम प्रकाश राजभर जुड़े, जिनका पूर्वांचल में जो है कई मजबूती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 24 जुलाई की, तो कई ऐसे नेता हैं जो सामने आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि 2024 से पहले बीजेपी और एनडीए मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है अगर ये नेता शामिल होते हैं तो? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 9 वर्ष से सरकार चला रहे हैं केंद्र के, 6-6.5 वर्षों से राज्य में हमारी सरकार है, और उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता ने हमें बहुत बड़ा जनाधार और जनादेश देकर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के रूप में काम करने का अवसर दिया है। और हमारी सरकारें गरीब कल्याण के लिए, चाहे विकास से जुड़े विषय हों, चाहे अंत्योदय से जुड़े विषय हों, चाहे सुरक्षा से जुड़े विषय हों, सारे विषयों पर सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, और उससे प्रभावित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीए का हिस्सा लोग बन रहे हैं। तो हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उस एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में हैं। सर, रालोद की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कई नेता शामिल होने जा रहे बीजेपी में। इसके साथ ही जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो नेता आप लोगों को छोड़कर गए थे, अगर वापस आते हैं तो क्या बीजेपी स्वागत करेगी? मैंने जैसे कहा कि जो हमारे विचार से सहमत है, जो मोदी जी के योगी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, जो हमारी जो पार्टी की एक विचारधारा है डेवलपमेंट की, विकास की, सुरक्षा की, जो उसके साथ जुड़कर देश की मजबूती के लिए काम करना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। जयंत चौधरी को भी लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, तो क्या आप स्वागत करेंगे अगर जयंत चौधरी आते हैं? आपको लगता है जयंत चौधरी अगर बीजेपी का दामन थामते हैं, एनडीए का हिस्सा बनते हैं, तो और मजबूती उत्तर प्रदेश में मिलेगी? राजनीतिक संभावनाओं वाला विषय है, हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कोई भी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो एजेंडा है विकास का, डेवलपमेंट का, सुरक्षा का, अगर उसके साथ मिलकर वो काम कोई काम करता तो हमारे लिए खुशी की बात है। कोई मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में अगर काम करने की किसी की इच्छा है, भाजपा के साथ भाजपा के विचार से जुड़ने की इच्छा है, तो हम सबका स्वागत करेंगे। जयंत के आने से मजबूती, सबका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश में एक मजबूत राजनीतिक ताकत है, हमारे पास पिछले 2 चुनावों से उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भाजपा को बड़ा जनादेश दिया है, और लोकसभा में भी माने मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2 चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने देश के लिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर हमारी केंद्र की और राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ ही सर, जिला अध्यक्षों के भी नामों की घोषणा हो रही है। आपके दिल्ली पहुंचते ही अटकलें तेज हो जाती है कि कभी भी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी, कब तक जिला अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है?
बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है संगठन में, क्योंकि संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक है, लेकिन कुछ लोगों को लंबा समय हो गया, कुछ लोग अलग अलग भूमिका में चले गए, तो एक आंशिक पुनर्गठन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पार्टी का जो विचार विमर्श की एक पद्धति है बातचीत करके निर्णय करने की, तो उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे विश्वास है जल्दी आप लोगों को नए नाम सुनने मिले। आखिरी सवाल है कि मणिपुर को लेकर जिस तरह से सियासत भी देखने को मिल रही है, सवाल भी सरकार पर उठाया जा रहा है, शिवपाल यादव की बात करें, रामगोपाल यादव की बात करें, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, रालोद, तमाम लोग हैं जो आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मणिपुर की घटना दुखद घटना है और सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और 140 करोड़ लोगों को सर्वसार करने वाली घटना है, और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस पर कठोर कदम उठाएगी। जो भी दोषी हैं, जिन्होंने इस विभत्स घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी सरकार, और ऐसी कार्रवाई सरकार करेगी जिससे आने वाली पीढ़ियों को के लिए और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो तत्व हैं, उनके खिलाफ एक नज़ीर बन सके, उन्हें संदेश मिल सके। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।